हेलो माय डेयर स्टूडेंट्स दिस इज सुब्रत प्रधान एंड आई वेलकम यू ऑल टू टूडेज क्लास टुडे विल कंटिन्यू फ्रॉम पेज नंबर 127 यू सी एंड द टॉपिक इज सेव्स फॉर एन ओपन बॉक्स मतलब इसके प्रीवियस चैप्टर में हम पढ़ रहे थे क्यूब और क्यूब अगर क्लोज्ड हो तो उसके अगर हम सेफ्स uh, निकालेंगे उसको अनफोल्ड करेंगे तो वो कैसे लगेगा आज हम पढ़ेंगे ओपन बॉक्स क्या होता है सी दिस इज अ क्यूब ये क्यूब है ओपन बॉक्स मीन्स इफ देर इज नो टॉप अगर उसका ढक्कन ही नहीं होगा मतलब एक फेस नहीं होगा लाइक इट विल लुक लाइक दिस दिस इज़ ओपन बॉक्स ओके सो इसमें क्या होता है बताइए जो क्यूब में होता है इन अ क्यूब देर आर सिक्स साइड्स सिक्स फेसेस बट इन अ ओपन बॉक्स देर आर ओनली फाइव फेसेस अगर हम इसका बनाएंगे यहां पर सेप्स ओके okay. तो ये कैसे होगा बताइए फोर होगा लाइक like दिस ये तो फोर हो गया वन टू थ्री एंड फोर अब देखिए चार हो गए अब क्या होता है क्यूब में दोनों साइड में दो होता है लेकिन इसमें क्या होगा एक ही होगा क्योंकि इसमें क्या है ओनली फाइव फेसेस आर देयर फाइव फेसेस आर देयर माय डियर स्टूडेंट्स हम जो ये सेप बना रहे हैं एक थ्री डी शेप का जो हम बना रहे हैं एक ओपन करके इसको हम कहते हैं नेट इसको हम नेट कहते हैं तो आगे हम यही वर्ड यूज करेंगे नेट ऑफ ओपन बॉक्स ठीक है नेट ऑफ क्यूब नेट ऑफ क्यूबॉइट सो लाइक दैट दिस इज नेट ऑफ अ ओपन बॉक्स तो क्या देखिए आपके बुक में क्या क्वेश्चन है थोड़ा हम देखते हैं पेज नंबर वन ट्वेंटी सेवन रिमेंबर द पजल्स विथ फाइव स्क्वायर्स इन चैप्टर थ्री यू सॉ ट्वेल्व डिफरेंट सेप्स मेड विथ फाइव स्क्वायर्स पेज नंबर फोर्टी सिक्स में आपको याद होगा एक थर्ड चैप्टर में आप देखिए यहां पर वो है पेज नंबर फोर्टी सिक्स यहाँ पर क्या देखिए आपको एक पजल दिया गया था आ, पाँच स्क्वायर को बना के पाँच स्क्वायर को यूज करके आपको अलग अलग टाइप के शेप बनाने थे सो इफ यू कट दो शेप्स एंड फोल्ड देम सम ऑफ दैम समोल्ड इन टू एन ओपन बॉक्स तो उनमें से देखिए अगर हम उनको कट करेंगे उस शीट में से और फोल्ड करेंगे तो क्या ये ओपन बॉक्स बन पाएंगे यहां देखिए क्लोज बॉक्स की बात नहीं हो रही है मतलब सिक्स फेसेस की बात नहीं हो रही है वी आर टॉकिंग अबाउट फाइव फेसेस ओनली ठीक है तो वहां देखिए कुछ नेट दिया गया है ओपन बॉक्स के तो उनको अगर हम फोल्ड करेंगे तो क्या ये ओपन बॉक्स बन पाएंगे वो हमें देखना है ठीक है तो लेट स्टार्ट मैंने यहाँ पर बच्चों कुछ आई हैव कट इन टू पीसेस जो यहाँ कुछ नेट दिया गया उनको मैं कुछ पीसेस में काटा हूँ तो उनको हम देख के हम आइडिया लगा सकते हैं कि क्या ये ओपन बॉक्स बन सकता है अब थोड़ा देख लीजिए पेज नंबर वन ट्वेंटी एट में सी हियर आई कैन मेक ओपन बॉक्सेस विथ बोथ दीज वो देखिए दिखा रही है जो लेफ्ट साइड में दो शेप है दो नेट है उससे वो ओपन बॉक्स बना सकती है बहुत आसान है देखिए जो ऊपर है वो इस टाइप का एक शेप है वन टू थ्री फोर और यहां देखिए एक और है तो देखिए ये इजीली बन सकता है क्योंकि देखिए वन टू थ्री फोर ये चार फेसेस फोल्ड हो गए ये लेफ्ट में आ गया ये लेफ्ट में ये ऊपर चला गया ये राइट right में आ गया ये ऊपर चला गया और ये साइड में कवर हो जाएगा तो फिर क्या देखिए ये फाइव फेसेस है एंड ये एक ओपन बॉक्स बन सकता है एक ओपन बॉक्स बन सकता है अब नीचे क्या देखिए एक और है जो प्लस जैसे है ये तो बहुत इजी है देख कर समझ में आ जा रहा है क्या होगा बताइए ये? ये इस तरफ आएगा ये इस तरफ ये इस तरफ ये इस तरफ ये, इस तरफ, ये, इस तरफ, ये बीच में आएगा तो फिर ये इजीली एक ओपन बॉक्स बन जा रहा है लेकिन जो देखिए राइट साइड में दो शेप्स हैं क्या वो बन सकता है वो हम सीखेंगे तो चलिए शुरू करते हैं जो पेज नंबर 46 में जो कुछ नेट था उनको हम यूज़ करके हम सबको ट्राई करेंगे कि क्या इससे क्लोज बॉक्स मतलब यानी ओपन बॉक्स बन सकता है ठीक है पेज नंबर 46 को देखिए वहाँ दिया गया है जो 12 टाइप के देखिए शेप बनाया गया यूजिंग फाइव स्क्वेयर्स तो इनमें से हम स्टार्ट करते हैं देखिए मैंने यहाँ पर मार्किंग कर दिया है वन से ट्वेल्व तक ताकि आपको आसान होगा हम यहाँ डिस्कस करेंगे तो ओके सी द फर्स्ट वन ये देखिए एक लंबा है जिसमें देखिए पांचों क्या है स्क्वायर देखिए साथ एक ही लाइन में पांच स्क्वायर अगर एक ही लाइन में होंगे तो क्या होगा बताइए चार के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है देखिए चार के लिए कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि देखिए ये वन टू थ्री फोर चार साइड हो जाएंगे एक क्यूब के ये हो जाएगा देखिए एक्स्ट्रा ये जो है ये एक्स्ट्रा आ गया तो फिर ये एक ओपन बॉक्स नहीं बन सकता मतलब नंबर वन कैन नॉट बी अ ओपन बॉक्स हम यहाँ ठीक या फिर क्रॉस मार्क करेंगे ठीक है अगर सीरी देखिए पाँच है तो नहीं बन सकती लेफ्ट या फिर राइट में एक और होता तो ये बन सकता था ठीक है नाउ नंबर टू कैन यू गेस इट नंबर टू देखिए जो येलो कलर में है क्या इससे हम एक ओपन बॉक्स बना सकते हैं आई हैव मेड द कट आउट देखिए यहां पर मैंने कट आउट बनाया है अभी आप देखिए यहां पर क्या इसको हम यूज करके बना सकते हैं एक ओपन बॉक्स ये देखिए वही शेप है ठीक है ट्राई करते हैं लाइक like दिस अब यहाँ से शुरू करिए फिर लाइक दिस ये फोल्ड किया अब देखिए यहाँ अगर हम फोल्ड करेंगे सो वी कैन फोल्ड इट अब देखिए कहीं से भी ट्राई करेंगे तो ये फोल्ड नहीं होगा क्योंकि तो देखिए चारों एक साथ आ गया है तो इस सेव को वी कैन मेक एन ओपन बॉक्स शेप इस नेट से हम ओपन बॉक्स नहीं बना सकते यानी जो नंबर टू है ये नहीं बन सकता नंबर टू विल हम नहीं बना सकते अब चलते हैं नेक्स्ट वन में नेक्स्ट देखिए नंबर थ्री क्या है वो जो लाइट पिंक कलर में दिया गया है क्या ये बन सकता है नंबर थ्री देखिए नंबर थ्री इस शेप का है ट्राई करते हैं ये फोल्ड कर दे लाइक दिस अब ये ऐसे अब ये नीचे आ गया हमें एक और इस तरफ या फिर इस तरफ चाहिए लेकिन नहीं है देखिए इसके ऊपर ही ओवरलैप हो रहा है यानी हम दो दो यहां पर फेसेस ओपन है तो ये ओपन बॉक्स नहीं हो सकता याद रखिए ओपन बॉक्स का मतलब है बस उसका ढक्कन नहीं होगा उसमें पांचों फेसेस होना जरूरी है बस एक फेस उसमें नहीं होना चाहिए ठीक है तो ये जो नंबर थ्री पर है ये नहीं बन सकता नंबर थ्री ऑल्सो वी कैंड मेक ओपन बॉक्स अब चलते हैं नंबर फोर पर नंबर फोर में क्या है देखिए जो पिंक कलर में है देखिए टी को जैसे उल्टा कर दिया गया ऐसे लग रहा है क्या इससे बन सकता है एक ओपन शेप नंबर फोर पर सी हेयर आई हैव मेड इट हेयर ये ऐसे है लेट्राइड लाइक दिस देन दिस अब ये आ गया साइड में ये ऐसे एंड ये ऊपर ठीक है एंड दिस वे यस वी कैन मेक इट ये देखिए ओपन बॉक्स बन रहा है बाकी देखिए हर तरह से क्लोज है बस देखिए यहाँ पर एक ये ओपन है सो नंबर फोर वी कैन मेक इट नंबर फोर जो है ये बन सकता है एक ओपन बॉक्स है ना इजीली हम पता कर सकते हैं देखिए बच्चों मैं ये सब कार्ड्स यूज कर रहा हूँ ताकि थोड़ा सा आपको इजीली समझ में आ जाए ये चीज़ें यू कैन विजुअलाइज इट इन योर माइंड अब इसके बिना भी यूज कर सकते हैं पहले हम इससे यूज करके पढ़ते हैं फिर आप इसके बाद ट्राई कर सकते हैं कि कौन सा शेप को बना के हम ओपन बॉक्स बना सकते हैं अब उसके बाद बिना कुछ चीज़ों के यूज़ करके अपने दिमाग से अपनी सोच कर विजुअलाइज करके आप निकाल सकते हैं अब नेक्स्ट वन चलते हैं जो कि नंबर फाइव पर ये तो हम पहले से भी डिस्कस कर चुके हैं जो प्लस जैसे ये इजीली हो जाएगा क्योंकि देखिए वहां से एक फोल्ड हो गया राइट साइड से लेफ्ट से फोल्ड हो गया ऊपर से एक फोल्ड हो गया डाउन से एक फोल्ड हो गया तो ऊपर जो है देखिए वो ओपन रहेगा तो ये बन सकता है इजिली नंबर फाइव जो है वो ईजिली बन सकता है ओपन बॉक्स नेक्स्ट वन नंबर सिक्स है देखिए जो नीचे है उसमें क्या है नंबर सिक्स क्या हो सकता है उसका हमारे पास कटआउट है वी विल ट्राई इट नंबर सिक्स सी है दिस वन क्या ये बन सकता है देखते हैं आ, दिस वे दिस वे ये आ गया और ये भाई ऊपर से आ गया हाँ वी कैन इजीली मेक ओपन बॉक्स यहाँ देखिए हम ईजीली एक ओपन क्यूब बना सकते हैं तो नंबर सिक्स के लिए यस सर नंबर सिक्स हम बना सकते हैं ठीक है ये आप अपने दिमाग में विजुलाइज करके बना सकते हैं कि किस तरीके से एक ओपन बॉक्स बन रहा है नाउ नंबर सेवन जो देखिए येलो कलर में है ये क्या ये हो सकता है उसके लिए भी हमारे पास आ, कोई कार्ड की जरूरत तो नहीं पड़ेगी क्योंकि देखिए ये बहुत सिंपल है चार है यहाँ पर जो मैंने यहां बताया था इस टाइप का ही शेप है यहां देखिए चार बनाया गया है और इसके साथ देखिए बस यहां पर एक ऐड किया गया इस तरफ तो देखिए ये चार तो चार फेसेस बन गए एक एक, एक आ, हो गया राउंड चार फेसेस और ये लेफ्ट से क्लोज हो जाएगा राइट वाला है ही नहीं तो ओपन होगा तो इजीली हो सकता है ठीक है तो सेवन नंबर भी यस yes है ठीक है नाउ द नेक्स्ट वन एट, एट क्या हुआ जो ब्लू कलर में है कि ये पॉसिबल है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला स्ट्रक्चर दिया गया ये नेट जो है हम देखते हैं क्या एट वाला हो सकता है यहाँ पर देखिए एंड इट लुक्स लाइक दिस क्या ये बन सकता है देखिए ये हमने फोल्ड कर दिया फिर ये ऐसे ये नीचे से आ गया और ये आ गए ऊपर से ठीक है ये देखिए यस वी कैन मेक ओपन बॉक्स यूजिंग दीज फाइव स्क्वेयर्स तो नंबर एट भी हम इजीली बना सकते हैं ओपन बॉक्स नाउ द नेक्स्ट वन नंबर नाइन जो देखिए व्हाइट कलर में है क्या इसको आप यूज करके बना सकते हैं एक ओपन uh, बॉक्स थोड़ा देखिए जस्ट थिंक अबाउट दिस बिकॉज देखिए नंबर नाइन वाला मेरे पास है इसको हम देखिए अभी कोशिश करेंगे ट्राई करेंगे बनाने के लिए ये इट लुक्स लाइक दिस यहाँ पर देखिए क्या ये बन सकता है गौर से देखिए फोल्ड करते हैं लेट स्टार्ट दिस देन ये हो गया ऐसा ये हो गया ऐसे, एंड एट लास्ट ये सो फाइव फेसेस आर दर एंड नाउ दिस वन इज ओपन

देखिए ये ऐसे फोल्ड हो गया लेकिन देखिए ये एक्स्ट्रा पीस आ रहा है यहाँ पर दिस वन इज एक्स्ट्रा और एक्स्ट्रा होने पर क्या होगा देखिए ये फ्रंट वाला भी यहाँ ओपन है ये भी ओपन है सो टू फेसेस आर ओपन दिस कैन बी ऑन ओपन बॉक्स सो नंबर टेन जो है ये एक ओपन बॉक्स नहीं बन सकता नंबर टेन नहीं बन सकता नेक्स्ट वन इलेवेंथ वन जो देखिए ऑरेंज कलर में है ऑरेंज कलर में इलेवेंथ वन एंड यू सी हियर दिस वन इज़ द नेट ये इसका नेट है इसे देखिए लडस्ट्रे ये फोल्ड किए हम ये ऐसे फोल्ड किए ये ऐसे फोल्ड किए और ये ऊपर चला गया अब देखिए हाँ हर तरीके से देखिए क्लोज है बस सामने वाला ओपन है यानी ये एक ओपन बॉक्स बन सकता है सो नंबर इलेवन ऑल्सो वी कैन मेक इट एन ओपन बॉक्स नाउ नेक्स्ट वन इज लास्ट वन इज ट्वेल्व टिप्ट किया देखिए बहुत सिंपल है ये ऐसे फोर है और यहाँ पर एक और है मैंने बताया था अगर देखिए इस टाइप का होगा तो चारों साइड फोल हो सकते हैं अब देखिए यहाँ पर ये सपोज चार वन टू थ्री एंड नीचे फोर ये चारों तो इजीली बन जाएगा एक और जो है देखिए लेफ्ट साइड में आ जाएगा इस तरफ खाली रहेगा ये इसके लिए परफेक्ट एग्जाम्पल है तो ये भी एक बन सकता है सो ट्वेल्व वी कैन मेक एन ओपन बॉक्स अब देखिए चार अगर सिरेलिया ऐसे होंगे और या फिर लेफ्ट या फिर राइट right में एक होगा तो वो वन बॉक्स बन जाएगा ईजिली बन सकता है सो माई डे स्टूडेंट्स आई होप कि इसमें से जितने भी शेप्स थे आपको एक आइडिया मिल गया कि ये ओपन बॉक्स बन सकता है या नहीं आप ख़ुद भी इसके कटआउट्स लेके आप ट्राई कर सकते हैं उसके बाद आप ये भी ट्राई करिए कि बिना कटआउट्स के क्या आप इनके निकाल सकते हैं ठीक है फाइंड आउट विच ऑफ अदर एट शेप्स कैन बी फोल्डेड टू मेक एन ओपन बॉक्स कौन कौन से जो एट शेप्स है वो ओपन बॉक्स बन सकते हैं जो अभी हम फोर्टी सिक्स पेज से देख रहे थे अब ये क्वेश्चन हम आगे पेज नंबर जो करंट चैप्टर है उसमें से देखिए कौन कौन से जो एट है वो बन सकता है ओपन बॉक्स नेट है ये बन सकते हैं ओपन बॉक्स ओके एक और वन मोर क्वेश्चन ओपन बॉक्स अब ऐसा कुछ और शेप बनाइए जो कि ओपन बॉक्स नहीं बन सकता सो नाउ विल ड्रॉ समेप विच कैनॉट बी फोल्डेड इन टू ओपन बॉक्स आप सिंपली ले लीजिए चार बॉक्स ले लीजिए देखिए अगर इस तरीके से फोर बॉक्सेस हो गए एक, एक और आप कहीं भी ऐड कर दीजिए यहाँ भी ऐड कर दीजिए तो देखिए इस टाइप की शेप जो है इसमें से हम ओपन बॉक्स नहीं बना सकते ठीक है तो आप भी ट्राई करिए एक दो ओपन बॉक्स ऐसे कुछ नेट बनाइए जिससे हम ओपन बॉक्स बना नहीं सकते हैं क्योंकि इसके पहले जो जो बन सकता है वो तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सो माय डियर स्टूडेंट्स आई होप यू एंजॉयड द क्लास थैंक यू ऑल फॉर वाचिंग की वाचिंग द वीडियो कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग